हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंजलि कुकिंग में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैंगो आइसक्रीम, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, एकदम बाहर जैसे बनेगा, और वो भी हम इसे बिना गैस जलाए फटाफट 5 से 10 मिनट में बनाकर रेडी कर लेंगे। टाइम इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम मैंगो आइसक्रीम बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम लिया है, तो इसको हम पहले अच्छे से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास में बीटर हो तो उसे आप बीट कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बीट करने के बाद में देख रहे हैं ना, इसका जो कंसिस्टेंसी है एकदम पतला हो गया। ये देखिए, देख रहे हैं ना, एकदम पतला हो गया है, और थोड़ा थोड़ा कहीं पे लम्स है, तो उसको हम बाद में बताएंगे कि क्या करना है। तो अभी हम इसे साइड में हटा लेंगे, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक जार लिया है, और अब हम इसमें मैंगो डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे एक मैंगो लिया है, उसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, और साथ ही में अब हम डालेंगे इसमें व्हिप्ड क्रीम जिसको हमने बीट कर लिया, और जो भी थोड़े बहुत लम्स हैं वो आसानी से अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो इसको हम जब पीसेंगे ना मैंगो को, तो उसके साथ में हमारा जो क्रीम है वो अच्छे से बीट हो जाएगा। और अब हम इसमें मैंगो के अनुसार इसमें शक्कर डालेंगे। मैंगो आपका खट्टा है या मीठा है उसी के हिसाब से इसमें शक्कर ऐड कीजिएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पीस लिया, देख रहे ना एकदम स्मूथ बनाए पेस्ट, देख रहे ना, वाओ, ऐसे लग रहा है जैसे कि हमने इसको व्हिप्ड मशीन से बीट किया है, देख रहे ना। और ऐसे में टाइम भी बचता है, व्हिप्ड मशीन से आप इसको बीट करेंगे तो कम से कम आपको 5 से 6 मिनट लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे हम बाउल में निकाल लेंगे, तो जिस बाउल में हमने क्रीम को बीट किया था उसी में हम निकालेंगे, और इसको हम अच्छे से फिर से हाथ से बीट कर लेंगे। और अब देखिए, हाथ से जब हम इसको बीट करेंगे तो देख रहे ना, इसकी जो कंसिस्टेंसी एकदम थोड़ा सा पतला हो गया है, ये देखिए। तो अब हम इसमें डालेंगे कलर आने के लिए, कलर अभी अच्छा से नहीं आया है, अभी भी वाइट कलर है, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा केसर का दूध, इससे टेस्ट भी बढ़िया आता है और कलर भी बढ़िया आएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक ही बार में नहीं डालना है, 3-3 चम्मच करके डालेंगे, और इसको हम मिक्स करते रहेंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद में ही इसमें केसर का जो दूध है वो ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में केसर ना हो तो आप केसर के जगह पे कोई सा भी फूड कलर का यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कलर अभी भी बढ़िया नहीं आया है। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें कलर के लिए थोड़ा सा केसरी फूड कलर, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा, एकदम जैसे मैंगो का कलर होता है ना वैसा ही कलर आएगा। तो इसको हम एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे, और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, देख रहे ना कलर इसका एकदम बढ़िया कलर आया है, वाह, एकदम सुपर। और इसका जो थिकनेस है वो भी एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इसको जिस बर्तन में जमाएंगे उसमें हम इसे निकाल लेंगे, और इसको हम निकाल कर ओवरनाइट के लिए हम इसको फ्रीजर में रख देंगे। आप चाहे तो इसको आप मटका कुल्फी भी बना सकते हैं, किसी भी मोल्ड में भी आप इसको जमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसको ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ फ्रीजर में, आप चाहे तो 8 से 9 घंटे के लिए रख सकते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा गार्निशिंग कर दूँगी, पिस्ता और ड्राई फ्रूट्स जो भी हो उसके कतरन से हम इसको गार्निश कर देंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसको गार्निश कर दिया है। तो अब हम इस पे से एक पन्नी का कवर लगा देंगे, और इसको हम पूरा अच्छे से बराबर कर देंगे। और अब हम इस पे ढक्कन लगा कर इसको हम फ्रीजर में रख देंगे ओवरनाइट के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में टाइम नहीं है और अगर आप जल्दी में बनाना चाहते हैं तो आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 10 से 11 घंटा हो गया है। तो हम एक बार आइसक्रीम को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, देख रहे ना, वाह, बहुत ही बढ़िया जमा है। और ये देख रहे ना पन्नी पे कितना सारा बर्फ जमा हुआ है, और आइसक्रीम भी हमारा अच्छे से जम चुका है। तो अब हम इसको सर्व कर लेंगे, और ये देखिए फ्रेंड्स, देख रहे ना क्या निकल रहा है। अभी ये ठंडा है तो थोड़ा सा हार्ड है, जब थोड़ा सा इसको हम रूम टेम्परेचर में रखेंगे ना 1-2 मिनट के लिए, तो थोड़ा सा ये गीला हो जाएगा। और ये देखिए, देख रहे ना क्या निकल रहा है, ऐसे लग रहा है ना जैसे कि बाहर का आइसक्रीम है, लग ही नहीं रहा है कि घर पे बना हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे कि हमने बाहर का ये आइसक्रीम हमने मंगवाया है।
पर ये बाहर का नहीं है और इसको हमने थोड़ा सा पिस्ता के कतरन और केसर के धागे से हमने इसको गार्निश कर दिया। ये देखिए, वाह सुपर, देखकर तो मुंह में पानी ही आ गया। फ्रेंड्स आप भी एक बार बनाइए मेरे तरीके से मैंगो आइसक्रीम, वो भी बिना गैस जलाए और कम खर्चे में बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो फ्रेंड्स है ना एकदम कमाल की रेसिपी, बिना गैस जलाए मात्र 10 से 15 मिनट में हमारा मैंगो आइसक्रीम बन के रेडी हो गया, वो भी जैसे रेस्टोरेंट जैसे टॉप एंड टाउन में मिलता है ना वैसे ही बना है, टेस्ट भी एकदम वैसे ही है। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार बनाइए मेरे तरीके से मैंगो आइसक्रीम, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बिना गैस जले, टाइम भी बचेगा आपका। तो फ्रेंड्स आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आप बनाइए मेरे तरीके से और अपने पूरे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना एंजॉय कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स यदि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और लाइक कमेंट्स एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और जितना हो सके उतना मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना भी ना भूलिएगा, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप देख लीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।